ओके हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ये पहले भी आप लोग देख चुके हो। हमारी चैनल की शुरुआत में चिंतन भाई जो थे उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था अपनी शॉप पे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का वीडियो हमें बनाने के लिए दिया था। तो अब हम उस लेवल पे आ गए आप लोगों के प्यार से चिंतन भाई आपकी वजह से कि चिंतन भाई ने आज सामने से मुझे फ़ोन किया और बोला कि मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए और राइडर्स को दिखाने के लिए। क्या दिखा रहे हो चिंतन? आज हम अलग अलग तरह के मोबाइल ऑर्डर दिखा रहे हैं। ओके सो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग को समझ नहीं आता कि किस तरह का मोबाइल माउंट लेना चाहिए। मैं काफ़ी बाइक्स में कुछ चीप क्वालिटी के भी मोबाइल माउंट्स देखे, तो आज हम लोग कितने मोबाइल माउंट्स वैसे देखने वाले हैं? ऐसे तो काफ़ी सारे हैं बट फिर भी हम लोग अलग अलग तरह के अलग अलग वेरियंट से करीब करीब 8-9 अलग अलग प्राइस रेंज के भी देखेंगे। ओके सो बहुत सारे मोबाइल माउंट्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये शुरुआत से हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे कि लोएस्ट मनी से और महंगे से महंगे तक जाएंगे, ठीक है? सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मोबाइल माउंट लिया था, पहले तो एक साथ सभी की सभी इधर लिया था और फिर वन बाय वन चेक करेंगे, ठीक है? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके सो सारे मोबाइल माउंट्स है, चिंतन भाई कौन से वाले से शुरू करेंगे? तो चिंतन भाई सबसे सस्ता वाला कौन सा है? तो इसी से शुरुआत करते हैं गाइस, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है। ओके सो क्या है इसमें चिंतन भाई, चलिए देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो आपका स्पाइडर आ गया। सो ये आपने काफ़ी कॉमनली देखा होगा, इसमें दो तीन तरह के माउंट। ये चिंतन भाई क्या यूनिवर्सल है कि ये यूनिवर्सल है? ओके सो किसी भी बाइक पे आप एक्टिवा से लेकर किसी भी बाइक पर लगा। ओके तो पहले बॉक्स में देख लेते थे कि क्या क्या एसेसरी हमको इसमें इसके साथ मिलने वाली है। सारे इक्विपमेंट्स हैं, दिस इज द यूनिवर्सल थिंग और ये बहुत ही कॉमन है। स्पाइडर आई गेस स्पाइडर माउंट इसको शायद बोलते हैं, मुझे भी हाँ वही है। तो मैंने भी एक बार ये यूज़ किया, मेरे CDR में लगा है बहुत टाइम पहले, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन इसको लेकर ये है कि ये थोड़ा सा रिस्की मुझे पर्सनली लगता है, मुझे डर लगता है इसमें। अगर आप हाई स्पीड पर बाइक चला रहे हो तो ये चीज़ आई डोंट नो कि ये मोबाइल सेव करेगी कि नहीं। तो इसकी प्राइस क्या है चिंतन भाई? 500। ओके सो ये 500 रुपये का आपको पड़ेगा। इसमें चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, तो चार्जिंग वाला भी मिल सकता है। सिमिलर वाला चार्जिंग वाला भी मिल जाएगा। ओके सो इसमें सेम चार्जिंग वाला भी आपको मिल जाएगा। ओके सो ये एक ऑप्शन में आप रख सकते हो, तो ये 500 रुपये का। और नेक्स्ट कौन सा चिंतन भाई? इसको अभी हम लोग रख देते साइड में। नेक्स्ट कौन सा है चिंतन भाई? इसके बाद ये अपना CNC मेटल वाला आएगा, फुल मेटल बॉडी। ओके ये भी यूनिवर्सल है। तो ये भी ये यूनिवर्सल है, आप इसका माउंट देख सकते हो। ये आपको ओवरऑल बता दूँ, CBR जो मेरी बाइक है उसमें ज़्यादा कोई मोबाइल माउंट मैं लगा नहीं सकता हूँ। इस टाइप का मोबाइल माउंट ही मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो इसमें उसमें भी थोड़ा बहुत जुगाड़ मुझे लगाना पड़ेगा, बट क्वालिटी वाइज इट इज़ रियली गुड। ओके सो दिस इज़ द थिंग। और ये 180 डिग्री है, तो आप इसको लगाने के बाद भी अपनी पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड पे भी ये कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वैसे लग रहा है, CNC है तो बहुत ही बढ़िया। इसमें भी चार्जिंग नहीं होता? नहीं, इसमें भी सेम आपको चाहिए तो चार्जिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ओके और इसकी प्राइस चिंतन भाई? ये 700। ओके सो ये 700 रुपये का और उससे थोड़ा सा बेटर क्वालिटी है, तो इसको भी साइड में रखते हो और बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो नेक्स्ट वाला कौन सा है चिंतन भाई? इसमें ही एक इसका थोड़ा सा बेटर वर्जन है, थोड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है वो, विथ चार्जर। ओके एलेंकीज यहाँ पर सब ज़्यादा से ज़्यादा अभी जितने भी हम लोग अपर सेगमेंट में आ रहे हैं ना, एलेंकीज टूल्स वगैरह आपको इसमें इनबॉक्स ही मिलने वाला है। सो ये हमारे पास है। ओके सो आई मस्ट से दिस इज़ रियली गुड, ये बहुत ही इम्प्रूव्ड क्वालिटी है, बहुत हैवी है, वजन में भी काफ़ी हैवी है और ये क्वालिटी आप वजन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि काफ़ी अच्छे मेटल को यूज़ किया गया है। इसमें चार्जिंग ऑप्शन आपको मिलने वाला है और ओवरऑल वाटरप्रूफ ही है, ये रबर कैप लगा हुआ है तो आप रबर कैप लगा के कर सकते हो यूज़। और यहाँ पर ये नॉर्मली सभी बाइक में वैसे लगे हैंडल बार मिलेंगे ना, नॉर्मली सारे हैंडल बार वाले बाइक्स में ये लग जाएगा। क्लिपऑन के लिए थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा बट लग सकता है, मतलब जुगाड़ में जुगाड़ पे दुनिया कायम है। क्लिपऑन के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो हमारे लिए, हम गरीब लोग क्लिपऑन वाले बाइक यूज़ करते हैं। सो ये इसकी प्राइस क्या है सर? ये सर 800। ओके सो ये 800 रुपये का है और उससे थोड़ा सा ऊपर, एक स्टेप ऊपर है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर। पर मैं एक चीज़ बताऊंगा कि 700 में वो लेने से बेटर 800 में ये लो, क्योंकि 100 रुपये में आपको लगभग लगभग मैं बताऊँ ना तो डबल अच्छी क्वालिटी मिल रही है। हाँ लेकिन जैसे आपके हाँ। जैसे लोग हैं, अब उसको ये चलेगा नहीं तो वो क्या कर सकता है? मैं गरीब हूँ। गरीब का बात नहीं, सबका अपना अपना वो है। चलिए डन, नेक्स्ट कौन सा चाहिए फिर? नेक्स्ट है
ओके मोटो टैंक, ये सारे अभी हम लोग ये सारे सेगमेंट जो है ना ये सारे ही वाटर रेजिस्टेंट आप बोल सकते हैं। मोटो टैंक ये बहुत ही कॉमनली आपने देखा है ये वाला, तो ये ज्यादातर जो कुरियर डिलीवरी बॉयज आई गेस इस टाइप के यूज करते हैं, पर ये कंपनी का ब्रांड का नहीं यूज करते होंगे, इसकी चीप क्वालिटी शायद यूज करते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है, मतलब किसी भी एंगल में आप इसको बैंड वगैरह कर सकते हो, इट्स रियली गुड। और ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो वाटर रेजिस्टेंट आपको मिल गया, पर हाँ फोन डिपेंड के कौन सा आप यूज नहीं नहीं ये टच एनेबल्ड है, ये हां ये साइज आता है, बड़ा साइज भी आता, अच्छा बड़ा साइज भी आता है, तो दिस इज आल्सो अ गुड स्टफ। और इसमें चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, चार्जिंग का ऑप्शन है, और माउंट इसमें आप कोई भी दोनों कोई भी आप यूज कर सकते हो, आप हैंडल बार भी हो क्लिप ऑन भी हो, तो ये बेटर ऑप्शन आई गेस, बट ठीक है अगर आपको ये बल्कि सा लुक अच्छा लगता है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसकी प्राइस क्या है? ये 1000 के आसपास। ओके सो ये 1000 रुपीस का, और इसमें ये चिंदन भाई को पता है कि मुझे कहना पीना से कितना प्यार है, मैं की में भी किचन में भी यूज करता हूँ। नेक्स्ट कौन सा है चिंदन भाई? नेक्स्ट है, अरे चिंदन भाई एक चीज़ बताओ, मोबाइल माउंट्स चलो ठीक है, काफ़ी राइडर्स को कैसा होता है कि मोबाइल माउंट्स उनको नहीं चाहिए, उनको क्या लगता है कि मोबाइल की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, किसी भी आप हैवी से हैवी मोबाइल माउंट दे दो उनको, पर फिर भी चार्जिंग के लिए कुछ चाहिए होता है, तो कुछ जुगाड़, तो फिर आप खाली चार्जर इस तरह का लगा सकते। ओके ये रैक पैक का है, वाटरप्रूफ फोन चार्जर है, सिर्फ चार्जर अगर वाटरप्रूफ वाटर रेजिस्टेंट वाटरप्रूफ। ओके सो वाटरप्रूफ चार्जर आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये जरूरी है। ओके बाय, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो नाम इस तरह से इट लुक्स रियली गुड, ये कहाँ पे लगा सकते हैं इसको माउंट, कहीं भी कर सकते हैं? नहीं ये रहा ना इसका क्लिप है ना, अच्छा हैंडल पे, हैंडल बार पे लग जाएगा। ओके और ये ओके नाइस, तो ये जैसे आप अपना गोप्रो वगैरह जैसे हेलमेट में माउंट करते हो उसी तरह से आप बाइक में भी इसको लगा सकते हो, और बाकी यहाँ पे होल वगैरह दिए हुए तो और भी कोई जुगाड़ अगर कहीं और आपको फेयर वेयरिंग में भी लगाना है तो यू कैन यूज दैट। और ये दो आपको मिलने वाला है, ऑन ऑफ स्विच भी इनबिल्ट है, या तो दो ये 2.0 है या 3.0 है? 3.0 है, तो फास्ट चार्जिंग होगा, 3.0 यहाँ पर है, केबल डिपेंड कि कैसा आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर लिखा 3.0, तो ये फास्ट चार्जिंग करने वाला, सो दिस इज द गुड स्टफ। अगर आपको मोबाइल माउंट नहीं पर सिर्फ मोबाइल चार्जर चाहिए तो ये अच्छा। ये कितने का है? ये अराउंड 1500 का है, 1500। ओके सो ये मोबाइल माउंट से भी महंगी चीज़ है, बट क्वालिटी के सामने तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बढ़िया बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो नेक्स्ट अभी मोबाइल माउंट पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये तो महंगा हो रहा है धीरे धीरे चिंतन भाई, महंगा तो भाई जैसी क्वालिटी सही बात है, सही बात है। सो ये मोटो टॉप को भी साइड में रख देते हैं, फिर आपको कुछ यूनिक सा, ये सारे वैसे मोबाइल होल्डर ही है बट कुछ यूनिक सा चाहिए, ये बॉक्स वैसे काफ़ी यूनिक है इतना बड़ा मोबाइल माउंट आने वाला है इसमें, बॉक्स मेरे से भी यूनिक है, अच्छा नहीं आपको सबसे यूनिक है। ओके सो काफ़ी बल्की सी चीज़ है ये, तो ये आप निकाल भी सकते हो इजीली, क्रोकोडाइल माउंट है। ओके नाइस, तो वाइब्रेशन के सामने ये वाइब्रेशन में भी अच्छा रहेगा। ओके ये भी आपका पूरा वाटर रेजिस्टेंट माउंट है ये, ओके so this is a good quality, this is really oh nice। so अभी जो मैंने आपको मोटो टेक का दिखाया था ये उसका अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हो, पर अच्छी क्वालिटी में। चिंदन भाई मेरा फ़ोन तो वीडियो में यूज़ हो रहा है, आपका फ़ोन मुझे एक बार लगा के देखना है। सो अंदर थोड़ा सा ये है तो हाँ कंपनी ने दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये आप इसमें लगाया के रखें, और कोशिश करना कि डबल साइड टेप से इसको परमानेंटली चिपका दो, तो फिर आगे कोई मदद ना रही है। ये चिंदन भाई का बहुत हैवी वाला फ़ोन रख दिया मैंने, ये मैंने कर दिया, ओके सो इट्स वेरी टफ। ओके सो ये आपका हो गया टच एनेबल, और ये टच एनेबल भी है, चिंतन भाई की से ही चालू होगा फोन, काफी स्मार्ट है, टच कंप्लीट चलने वाला है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैं पूरा टच से इसको यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, पूरा फोन यूज कर सकते हो completely, you can use it। आप नेविगेशन वगैरह यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे बहुत काम आता है बाइक पे, स्पेशली अभी जिस तरह का सीजन चल रहा है हल्के फुल्के बारिश में भी इट इज क्वाइट गुड, बहुत ही ज्यादा हैवी बारिश होती है तो हम लोग किसी भी मोबाइल होल्डर में यही एडवाइस करते हैं कि सबसे बेस्ट है निकाल लो, बिकॉज सारे ब्रांड्स ही वाटर रेजिस्टेंट बोलते हैं, कोई भी 100% वाटर प्रूफ बोलेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, तो सो इस ये एक बेनिफिट ये भी है कि क्रोकोडाइल माउंट है तो आप मोबाइल को इजीली इससे निकाल के बिल्कुल खाली आपको ये लगा के रखना, ये आप घर पे हैंडी रखो
जब आपको लगाना तब यूज करो, लगा के रखने की कोई जरूरत नहीं है। सो इसकी प्राइस क्या है? ये आपको अराउंड 1500 का है सर। ओके, सो ये 1500 रुपये का आपको ये पड़ने वाला है, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो आप अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। और नेक्स्ट कौन सा है चिंतन में? नेक्स्ट अभी चिंतन में का फ़ोन अपने पास ही रखेंगे, कोई बात नहीं, चेकिंग करने के लिए। बिल्कुल, जिनकी चीज़ उन्हीं की चीज़ से चेकिंग। ओह गॉड, लंबा चौड़ा माउंट है इसका। सीरियसली, मतलब ये एडवेंचर बाइक्स के लिए है क्या? नहीं, इसका फंक्शन अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मुझे ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूनिक है भाई। अच्छा, ये मेरे से भी ज़्यादा यूनिक। ये इसका देखिए, ये इसका बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग मोबाइल से ऑन द गो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जो लोग एक्शन कैम यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, गोप्रो वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। नीचे भी क्लिप है। ओह, इसमें क्वालिटी इंप्रूव हुई है बहुत ज़्यादा। ये वो क्या, ये चार्जिंग के लिए? अच्छा, सपोर्ट के लिए। ओके, इसमें डायरेक्ट लग सकता है ना? हाँ, इसमें डायरेक्ट। हाँ, तो ये काफ़ी इम्प्रूव क्वालिटी मुझे लगी इसमें। सो अच्छा, ओके, सो अभी जो आप गोप्रो वगैरह यूज़ कर रहे हो ना, तो अगर आपके फ़ोन में स्टेबिलिटी का वो इश्यू नहीं है? नॉर्मली फ़ोन हैवी फ़ोन ही स्टेबल ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी वाइज। इसमें तो इसमें आपको 4K वीडियो का ऑप्शन है। एग्जैक्टली, सो पीछे भी आप देख सकते हो कि पूरा ग्लास है, तो यहाँ पे आपका कैमरा आ जाएगा। और ये डेडिकेटेडली वही जो हैवी फोन के लिए है, उसके लिए ये कि डेडिकेटली ये आपको ओपन दिया हुआ है, आप उन लोगों उस पर शूट कर सकते हो। दिस इज़ रियली इनसेन। अगर आपको अभी खर्चा नहीं करना है 30-35 हज़ार के GoPro में या किसी और SJ कैमरा में या किसी और एक्शन कैमरा में, तो गो फॉर दिस। अपने फ़ोन से भी आप काफ़ी अच्छा खासा व्लॉग शूट कर सकते हो विद दिस प्रोडक्ट। इसकी प्राइस क्या है चंद्र भाई? ये 1700 का है। 1700 रुपये, रियली नाइस डील। सो कोई सीन नहीं है, बहुत ही बढ़िया सा आपको सेटअप यहाँ मिल जाएगा। बाइक पे आप अच्छे से व्लॉगिंग वगैरह शूट कर सकते हो। स्टेबिलिटी का थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी उसके लिए तो शायद और भी कुछ ऑप्शन नहीं, नहीं, नहीं आपका है। अगर फोन ये फोन के ऊपर आप कैसा फोन एग्जैक्टली वही तो स्टेबिलिटी, जैसे मेरे फोन अभी जिस फोन से हम लोग शूट कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी का अलग से एक ऑप्शन है, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो अगर आपका फोन स्टेबल है तो आप ये वाला यूज करके एक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें शूट कर सकते हो। नाइस ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इंद्र में बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया आपने, काफ़ी यूनिक सी चीज़ है। सबसे बढ़िया, फिर सबसे टॉप ऑफ द लाइन, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला, ये सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला okay. है, ये है राइनॉक्स का स्टॉर्म प्रूफ। सो स्टॉर्म प्रूफ। ओके, तो इसमें ये बैग जैसा आ रहा है, तो इज इट वाटर प्रूफ? वाटर रेजिस्टेंट ही बोलते हैं हम, वाटर प्रूफ किसी को नहीं बोलते। अच्छा, वो प्रोडक्ट में आपने बताया था वाटर प्रूफ? एक प्रोडक्ट में आपने वाटर प्रूफ बताया? नहीं, वो दैट इज चार्जर। अच्छा, जो कंपनी वालों ने इटसेल्फ लिख के दिया है वो वाटर प्रूफ चार्जर है, मतलब वो चार्जर के अंदर पानी नहीं जाएगा। ट्रू ट्रू, बट उसमें आप फोन लगा रहे हो तो उसका पानी का कोई सीन नहीं है। ओके, तो ये अंदर से निकल नहीं रहा है, मैंने ट्राई किया, कुछ है नहीं, वो खाली ये बैंड है। अच्छा, ओके, जो ये आता है ना हैंग करने का। हां हां, ओके, सो ये एक ए टाइप के आपने देखा होगा पहले भी काफी ज्यादा इस चीज को, इसमें आपको मोबाइल डाल देना है अंदर और आपका मोबाइल हो गया वाटर रेजिस्टेंट। इसके पीछे आप लगा दो इसको, तड़ा रेडी। और ये भी आपका क्रोकोडाइल माउंट है, काफ़ी अच्छा स्टेबल आपको मिलने वाला है। अभी तो मैंने लगाया नहीं था एक्चुअली। सो इसकी प्राइस क्या है? ये 1850 रुपये। इन डिटेल ले जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसके साथ एक रस्सी भी है जो इसमें से अभी नहीं निकल रही है, तो मैं आपको दिखा दूँ, रस्सी है अंदर, तो आप गले में भी फोन को लटका सकते हो, वाटरप्रूफ हो जाएगा बेसिकली फोन। ये और एक डिफरेंट सी चीज है okay. जो अगर कोई किसी को जे माउंट की जगह पे अगर चिन में किसी को फोन लगा के शूट करना है ओके तो ये उसके लिए है। ओके, टेलीस्पिन का है। पर ये 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 आपका okay, हाँ, हाँ, जो हाँ, कैमरा के माउंट है ना उस पे लगेगा और यहाँ पे फोन लग जाएगा। ओके, नाइस। यहाँ से अगर किसी को जैसे कोई अपने हेलमेट में यहाँ पे जे माउंट लगा रहता है ना, ये उसके ऊपर डायरेक्टली लगता है। जिस तरह की फोन टेक्नोलॉजी आ रही है, स्टेबल फोन्स आ रहे हैं, उसके सामने मोबाइल आप GoPro के जगह पे ये डायरेक्टली लगा के फोन यहाँ पे लगा सकते हो। और अदरवाइज इसका एक और ऑप्शन है, जैसे आप GoPro का मोबाइल माउंट आता है जो बाइक पे हैंडल में लगाने का माउंट आता है,
GoPro का, उसके ऊपर भी लगा सकते हो। तो आप एज ए मोबाइल होल्डर भी यूज कर सकते हैं और एज ए चेन स्ट्रैप माउंट भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज रियली अ नाइस प्रोडक्ट और ये आप काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। ट्रू। सो थैंक यू सो मच चिंतन भाई, आपने हमें बुलाया और इतने अच्छे मोबाइल माउंट्स और स्पेशली जो यूनिक सी चीज़ें आपने दिखाई जैसे मोबाइल चार्जर और वो चीन माउंट वाला मोबाइल, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर कुछ चीज़ें आपको पसंद आई है तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी नीचे, इनकी इंस्टाग्राम लिंक, इनका एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल में, तो वो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, इनको कॉन्टैक्ट करके परेशान कर सकते हो, जो भी चाहिए बिंदास फोन करो और चैनल के रेफरेंस भी आप दे सकते हो यहाँ पर आकर। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। ओके थैंक यू सो मच वंस अगेन चिंतन भाई, और एक न्यूज़ खास यहाँ पर ये है कि ये मोबाइल माउंट जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, तो चिंतन भाई हमें दो मोबाइल माउंट गिव अवे के लिए दे रहे हैं यहाँ पर। तो गिव अवे के लिए मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप गिव अवे में इस बार पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पर दो मोबाइल माउंट्स, मैं आपको पहले तो माउंट्स दिखा देता हूँ। तो ये दो मोबाइल माउंट्स हैं यहाँ पर। सो एक मोबाइल माउंट है लोकल के लिए, जो गुजरात के लोकल लोग हैं उनके लिए, और एक मोबाइल माउंट है जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं कोई भी इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। चिंतन भाई क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक तो जो अपना जो लोकल है गुजरात वाले, उनको यहाँ आके सेल्फी क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा। तो हमारे चिंतन, हाँ चिंतन भाई जो है वो सेल्फी एडिक्ट है, तो चिंतन भाई नहीं, के मैं, मेरे साथ नहीं भाई, स्टोर के अंदर आके। ओके, सो बेसिकली लोकल जो भी है यहाँ के, तो उनको स्टोर पे आना पड़ेगा, स्टोर पे आके एक सेल्फी क्लिक करनी है और सेल्फी मुझे डीएम करना है मेरे इंस्टा आईडी पे, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले वाइकअप एड ब्रीड पे आपको वो डीएम करना है जो भी आपने सेल्फी लिया है वो। चिंतन भाई का एम रोडीज का पेज आपको फॉलो करना है, मेरा बाइकअप एड ब्रीड फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आप हो गए एलिजिबल फॉर द गिव अवे, राइट? और ऑल ओवर इंडिया में जिनको भी एक मोबाइल माउंट इंडिया में किसी को भी मिलेगा, तो वो मोबाइल माउंट के लिए सिंपली आपको सारे के सारे पेजेस आपको लाइक और फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन चिंतन भाई, थैंक यू, चलिए बाय।